नमस्कार, मेरा पूरा देश सुन रहा है राष्ट्र की आवाज, 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, संसद का विशेष सत्र का सियासी संग्राम लगातार चल रहा है। संसद के विशेष सत्र में किन विशेष मुद्दों पर बात होगी, इस पर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। मोदी सरकार की बंद पोटली में क्या है यह किसी को नहीं पता, लेकिन 18 से 22 सितंबर के बीच मोदी सरकार क्या बड़ा धमाका करने वाली है, इसकी भनक भी किसी को नहीं। लेकिन इन सबके बीच विशेष सत्र की विशेष तैयारियों को लेकर कुछ जानकारी सामने आ रही है। मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन बेहद खास होने वाला है। 19 सितंबर को नई संसद में पहली बार आधिकारिक तौर पर काम शुरू होगा। नई बिल्डिंग में संसद सत्र की औपचारिक शुरुआत होगी। संसद के विशेष सत्र को लेकर मोदी सरकार की तैयारियों के बारे में किसी तरह की जानकारियां सामने आ रही। G20, चंद्रयान 3 की कामयाबी, हिंदुस्तान की इकोनॉमिक रैंकिंग को कैसे संसदीय इतिहास में दर्ज करवाने की तैयारी है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, दिखाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। संसद के विशेष सत्र को लेकर विपक्ष ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बहस का सबसे सटीक मुद्दा कौन सा हो, किन मुद्दों की धार से सत्ता पक्ष को चुनावी चोट पहुंचाई जा सके, विपक्षी दलों के चिंतन मंथन का दौर जारी है। इंडिया गठबंधन के दिग्गजों की बैठक जारी है। विशेष सत्र में किन मुद्दों पर बातचीत होगी, मोदी सरकार अपने पत्ते अभी नहीं खोल रही। लेकिन इसके विरोध में विपक्ष कैसे अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, विपक्ष कैसे अपनी रणनीति को धार देने में जुटा है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्षा सोनिया गांधी की चिट्ठी पर हंगामा क्यों मचा हुआ है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाऊंगा। नए संसद भवन में संसद सत्र की शुरुआत की तैयारियों के संकेत मिल रहे हैं। विशेष सत्र की तैयारियों के बीच नए नए मुद्दे छाए हुए हैं। मसलन वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हलचल तेज है। महिला आरक्षण का मुद्दा भी काफी आगे चल रहा है। और इन सबके बीच जोरदार बहस इंडिया बनाम भारत को लेकर लगातार चल रही है। सनातन के अपमान ने माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्रियों को दी गई सलाह भी सामने आई है। इंडिया बनाम भारत की बजाय सनातन वाले विवाद में सही तरीके से जवाब दिया जाए। नई संसद की बेहद खास तैयारियों के बीच कैसे अलग अलग मुद्दों ने माहौल को बदल दिया, कैसे हर मुद्दे ने विपक्ष की उलझन को और ज्यादा उलझा दिया है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाऊंगा, बताऊंगा, दिखाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। संसद के विशेष सत्र को लेकर सस्पेंस वाले हालात लगातार बने हुए हैं। संसद के विशेष सत्र की तारीख तो तय है, लेकिन विशेष सत्र में किन मुद्दों पर बातचीत होगी, ये सबके सामने क्लियर नहीं है।
मोदी सरकार की तरफ से बताया जा चुका है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र होगा। संसद का विशेष सत्र का एजेंडा क्या होगा, इसकी जानकारी अभी तक विपक्ष के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है और सरकार नहीं दे रही है। विशेष सत्र में क्या बातचीत होगी, किन मुद्दों का जोर रहेगा, संसद के विशेष सत्र को लेकर सरकार की क्या खास तैयारियां हैं, सत्ता पक्ष ने इस मसले पर पूरी तरीके से चुप्पी साध रखी है और जो भी जानकारी सामने आ रही है वो सब के सब सूत्रों के हवाले से आ रही है। मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन नए संसद में पहली बार आधिकारिक तौर पर काम शुरू होगा। विशेष सत्र का पहला दिन यानी 18 सितंबर को संसद की पुरानी बिल्डिंग में ही कामकाज होगा। दूसरे दिन सभी सांसद नए भवन में बैठेंगे। यह भी हो सकता है कि 18 सितंबर को दोपहर के बाद का कामकाज संसद की नई इमारत में शिफ्ट किया जाए। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के शुभ दिन नए संसद का उद्घाटन का सत्र औपचारिक तौर पर शुरू हो सकता है और अगले 3 दिनों तक यानी 22 सितंबर तक का कामकाज संसद की नई बिल्डिंग में होगा, ऐसा मेरे सूत्र बता रहे हैं। और संसद के पहले दिन पुराने संसद भवन के लिए गए प्रमुख फैसले, बड़े नेता उनके योगदान को भी याद किया जाएगा, यह भी सूत्र बता रहे हैं। नई संसद के निर्माण की कहानी, संसद के इतिहास, नए संसद भवन की जरूरत पर एक फिल्म दिखाई जाएगी और मेरे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि संसद के विशेष सत्र में कोई भी विधेयक पेश नहीं होगा, ना ही ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा और 5 दिनों में 4 से 5 प्रस्ताव लाए जाएंगे, जिन पर चर्चा होगी उन्हें ध्वनि मत से पारित किया जाएगा। दोनों ही सदनों में चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाए गए, लिहाजा ज्वाइंट सेशन नहीं होगा। अगर ज्वाइंट सेशन होता तो किसी खास विधेयक पर चर्चा होती। मेरे सूत्र यह भी बता रहे हैं, उनका कहना है कि विशेष सत्र में G20 चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग, देश की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने के लक्ष्य, इंडिया की जगह भारत के इस्तेमाल को लेकर सरकार प्रस्ताव पेश कर सकती है और चर्चा के बाद उसे पारित करा सकती है। संसद के विशेष सत्र से जुड़ी एक और चर्चा है तो बेहद खास बिलों को लेकर भी हो रही है, जिन्हें चुनाव सुधारों से जुड़ा बताया जा रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, तमाम तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन यह कंफर्म नहीं किया जा रहा कि विशेष सत्र में बात क्या होगी। यह बात सबसे ज्यादा विपक्षी दलों को परेशान कर रही है। विपक्षी दलों की बैठकों का लगातार दौर जारी है। विपक्षी दल अपनी अपनी तैयारियों के जरिए अपने अपने मुद्दों को ज्यादा धार देने में जुटे हुए हैं। 5 सितंबर को पहले कांग्रेस की संसदीय दल की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी जी ने की। उसके बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेता मौजूद रहे। बैठक में आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, संजय सिंह, शिवसेना यूबीटी से संजय राउत, एनसीपी की सुप्रिया सूले, समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव, टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन से लेकर इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता मौजूद रहे। और इन सब नेताओं की चिंता परेशानी यही रही कि सरकार सत्र पर बात क्यों नहीं कर रही। मानसून सत्र के 12-13 दिन के भीतर विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है,
देश को पता ही नहीं है कि विशेष मुद्दा क्या है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मांग की है कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ये बताए। लंबी बैठक के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने यह भी फैसला किया कि वो विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे देश के बड़े मुद्दों पर बात करने के लिए, सरकार पर दबाव बनाएंगे। और इस मीटिंग के बाद कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा, पहले जब भी विशेष सत्र बुलाया गया सभी पार्टियों को मुद्दा बताया गया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको कांग्रेस के नेता जयराम रमेश को सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए कि जयराम रमेश क्या कुछ कह रहे हैं। कल शाम को कांग्रेस संसदीय दल की जो रणनीति का एक ग्रुप है, स्ट्रेटेजी ग्रुप है, उसकी बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता हमारे संसदीय दल के नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी मौजूद थे और उसमें लंबी बातचीत हुई कि ये जो 5 दिन का विशेष सत्र आने वाला है 18 तारीख से, उसके लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। उसके बाद में कल रात को 8 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक बैठक बुलाई अपने घर में। 8 बजे रात को सारे जो फ्लोर लीडर्स हैं इंडिया पार्टी के, लोकसभा में और राज्यसभा में, सारे फ्लोर लीडरों की बैठक हुई और उस बैठक में भी चर्चा हुई कि ये विशेष सत्र में इंडिया पार्टी की ओर से क्या रणनीति होनी चाहिए। और ये तय हुआ कि हम ये सत्र का बहिष्कार नहीं करेंगे। ये मौका है हमारे लिए जनता के मुद्दों को उठाने के लिए और हम पूरा प्रयास करेंगे कि अलग अलग पार्टियां अपने मुद्दे उठाएंगे। कि विपक्ष जनता की परेशानियों का मुद्दा बनाना चाहता है, जबकि सत्ता पक्ष की तरफ से हर दिन कोई ना कोई नया मुद्दा उछाला जा रहा है, हर दिन कोई ना कोई नया नैरेटिव सेट किया जा रहा है। और इस मसले पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार पहली बार बिना एजेंडा बताए संसद का विशेष सत्र बुला रही है। किसी भी विपक्षी दल से ना तो सलाह ली गई और ना ही उनको कोई जानकारी दी गई। ये लोकतंत्र चलाने का तरीका नहीं है। हर दिन मोदी सरकार एक संभावित एजेंडे की कहानी मीडिया में पेश करती है, जिससे लोगों पर बोझ डालने वाले मुद्दों से ध्यान भटकाने का एक बहाना तैयार हो जाता है। बीजेपी महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर, चीन के अतिक्रमण, सीएजी रिपोर्ट घोटाले जैसे मुद्दों से ध्यान हटाकर लोगों को धोखा देना चाहिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि संसद के विशेष सत्र पर सत्ता पक्ष अपने पत्ते अभी तक नहीं खोल रहा है। विपक्ष परेशान है, विपक्ष अलग अलग मुद्दों में लगातार उलझा हुआ है, लेकिन इन सब के बीच विपक्ष अपनी रणनीति पर तेजी से काम कर रहा है। संसद के स्पेशल सेशन के मुद्दे को लेकर जारी खींचतान के बीच सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी, जिस चिट्ठी में कहा गया है कि सत्र बिना किसी बातचीत के मनमाने तरीके से बुलाया गया है, विशेष सत्र से पहले पार्टियों से बात करके कार्यसूची तैयार की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। विशेष सत्र में 5 दिन सरकारी बिजनेस की बात लिखी गई है, जो नामुमकिन है। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि विपक्ष उन मुद्दों को उठाएगा जो जनता से जुड़े हैं, जो पीछे छूटे। सोनिया गांधी ने 9 नए मुद्दे गिनाते हुए
इन मुद्दों पर बहस के लिए वक्त की मांग भी की। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में किन मुद्दों का जिक्र किया है। सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में महंगाई, चीजों की बढ़ती कीमतें, बेरोजगारी, असमानता की बढ़ती खाई जो लोगों के बीच में नफरत पैदा हो रही है, एमएसएमई की परेशानियों पर ध्यान देने के साथ मौजूदा आर्थिक हालातों पर चर्चा की मांग की, एमएसपी, किसानों के साथ परेशानियां, अडानी मसले पर जेएसपीसी की मांग, मणिपुर के मौजूदा हालात, हरियाणा की तरह अलग अलग राज्यों में सांप्रदायिक तनाव में बढ़ोतरी, भारतीय क्षेत्र पर चीन का कब्जा, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश में सीमाओं की सुरक्षा, जाति जनगणना की जरूरत, केन राज्य संबंधों को लेकर जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इस पर संसद में बात होनी चाहिए। लेकिन कुछ राज्यों में बाढ़ के कुछ सूखे पर प्रभाव की भी चर्चा होनी चाहिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सोनिया गांधी की चिट्ठी का जवाब संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिया है। सोनिया गांधी के सवालों का जवाब देते हुए प्रहलाद जोशी ने लिखा कि आप अनावश्यक विवाद उत्पन्न करने का प्रयास कर रही हैं, शायद आपका ध्यान परंपराओं की ओर नहीं है। संसद सत्र बुलाने से पहले भी राजनीतिक दलों से चर्चा नहीं की जाती है और न ही कभी मुद्दों पर बात की जाती है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि संसद के विशेष सत्र का एजेंडा क्या होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। विपक्ष अपनी तैयारियों में जुटा है, सत्ता पक्ष सारी बातें कर रहा है, बस विशेष सत्र पर सन्नाटा है और इसी वजह से कई सारे मुद्दे, नए नए मुद्दे लगातार सुर्खियों में हैं। इस एजेंडे को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा वन नेशन वन इलेक्शन पर हो रही है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सरकार एक देश एक चुनाव पर भी बिल ला सकती है। इसके अलावा महिला आरक्षण पर बिल लाने की चर्चा हो रही है। इतना ही नहीं, देश के नाम को लेकर भी माहौल गरमाया हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि संसद के विशेष सत्र में मोदी सरकार संविधान से इंडिया शब्द हटाने का प्रस्ताव ला सकती है, इस बात की चर्चा है। और दो दिनों में इस मुद्दे पर बहस और ज्यादा तेज हो गई। मोदी सरकार की तरफ से लगातार भारत नाम को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिस पर विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बहस में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीम मायावती भी शामिल हो गई है। मायावती ने देश के नाम पर शुरू हुए इस बवाल के लिए विपक्ष को जिम्मेदार बताया है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए मायावती क्या कह रही है। हमारी पार्टी का ये मानना है कि ये कतई भी उचित व न्याय संगत नहीं है, अर्थात ये घोर अनुचित है। इतना ही नहीं बल्कि इस बारे में सच्चाई तो ये है कि देश के नाम को लेकर अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका बीजेपी के एनडीए को या खुद विपक्ष ने एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर इनको दिया है, या फिर ये कहा जाए ये सब कुछ सत्ता पक्ष व विपक्ष की अंदरूनी मिली भगत से हो रहा है, इसकी भी आशंका है। ये भी एक आम चर्चा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नाम वाले विवाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर सरकार इंडिया गठबंधन की वजह से देश का नाम बदलना चाहती है तो गठबंधन अपना नाम बदल लेगा, देश का नाम नहीं बदलने देगा। आप सुनिए उमर अब्दुल्ला क्या कुछ कह रहे हैं। अब हमारे आईन में तो ये लिखा है, दोनों नाम दर्ज हैं, हम दोनों नाम इस्तेमाल करते हैं। आप अगर वजीर आजम के जहाज को ही देखें जिसमें आज वो इंडोनेशिया जा रहे हैं, दोनों नाम लिखे हैं, जहाज पे इंडिया भी लिखा है, भारत भी लिखा है। अब अगर वजीर आजम किसी वजह से इंडिया इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ना करें,
लेकिन कम से कम आईन से वो हटना नहीं चाहिए, वो हमारी मर्जी होनी चाहिए। वैसे भी अगर आप हटाओगे तो कहाँ कहाँ से हटाओगे? नो, इंडिया दैट इज भारत, इट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। प्लीज, आई वुड इनवाइट एवरीबॉडी टू रीड इट। सो इट्स नॉट समथिंग विच इज न्यू, इट इज समथिंग विच एग्जिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड सो यू डिडंट डू, इट्स नॉट अ न्यू रोल ऑफ डाइस। मैं इन्वाइट कर रहा हूँ उनको, मेरे साथ आए। इंडिया दैट इज भारत आर्टिकल 1 है। 19 जुलाई से पहले जयशंकर साहब आपको ये बोलते हुए कभी नहीं सुना। थोड़ा आईना रखिए जयशंकर साहब, आप तो करियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, आपने अलग अलग सरकारों के साथ काम किया, आपको हो क्या गया? मैं तो आपसे सीधे तौर पे कहता हूं, 19 जुलाई से पूर्व यानी जिस दिन इंडिया गठबंधन बना, कहां देश के नाम वाले विवाद में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल ब्रिज ने कांग्रेस को इंदिरा इज इंडिया की याद दिलाई। मैं राष्ट्र के वास के जरिए आपको हरियाणा के गृह मंत्री को सुनवाना चाहता हूं, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। भारत भाग्य विधाता, वह इंडिया भाग्य विधाता क्यों नहीं लिखा गया? और ये जो i.n.d.i.a वाले ये कह रहे हैं कि ये हमारे से डर कर ऐसा किया जा रहा है, तो उन्होंने कोई पहली बार तो इंडिया नाम रखा नहीं है। 1977 में भी उन्होंने कहा था कि इंदिरा इज इंडिया, और भारत की जनता ने उस वक्त इंदिरा गांधी को धूल चटा दी थी। वही काम अब हिंदुस्तान की जनता इस i.n.d. मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में इन दिनों कई बड़े मुद्दे गरमाए हुए हैं। देश के नाम पर घमासान जारी है, साथ ही सनातन के अपमान पर भी बढ़ता बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है, और इन सब के बीच संसद के विशेष सत्र पर सबका ध्यान टिका है। देखना दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार बंद पोटली में क्या दिखाती है, जिस पर पूरे हिंदुस्तान की नजर पिछले कई दिनों से। तो ये थी राष्ट्र की आवाज, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।